हे गाइस वेलकम फ्रॉम शेड रिव्यूज और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ संजय लीला भंसाली की सबसे नई मूवी जो कि है बाजीराव मस्तान। सक्सेसफुल रही है पर उनकी लास्ट जो मूवी थी जो थी रामलीला उसमें उन्होंने कुछ यूनिक स्टोरी लिखी थी और यूनिक सेट्स बहुत खर्चा किया था सेट्स पे और स्टोरी भी बहुत अच्छी थी उस मूवी की और बहुत बढ़िया मूवी बनी थी। तो अब वो लेकर आते हैं 2 साल बाद बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी कैसी है, अच्छी है या बुरी है? अच्छी है, ये बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि इस मूवी में बहुत अच्छे एक्टर्स को लिया गया है, बहुत अच्छा स्टोरी लिखा गया है। इस मूवी के डायलॉग्स बहुत ही अलग टाइप के डायलॉग्स थे। रणवीर सिंह बाजीराव का रोल निभाए इस मूवी में और बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। उनका जो मराठी एक्सेंट है आप ये मूवी देख के कहेंगे ही नहीं कि वो महाराष्ट्रीयन नहीं है, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो महाराष्ट्रीयन है क्योंकि उनका वैसा एक्सेंट आता है इस मूवी में। उनका एक्टिंग भी बहुत अच्छा है इस मूवी में। सेकेंड है दीपिका पादुकोण जिन्होंने मस्तानी का रोल प्ले किया, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की और बहुत इमोशनल सीन्स में बहुत अच्छा एक्टिंग किया है और उनका तो एक्टिंग बहुत लाजवाब है इस मूवी में। थर्ड है जो कि प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने काशी बाई बाजीराव की वाइफ का रोल प्ले किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया और दोनों हीरोइंस का इक्वल रोल है। ऐसा आप कभी बोल नहीं सकते हो कि काशीबाई का इससे छोटा रोल है या मस्तानी का काशीबाई से छोटा रोल है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। दोनों को इक्वल रोल्स दिए गए हैं और बाजीराव को भी अच्छा रोल दिया गया है इस मूवी में। तो ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज़ ये मूवी देखने जाइए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खुद अकेले भी जा सकते हैं ये मूवी देखने के लिए। बहुत अच्छी मूवी है और ये मूवी के एंड में आपको रोना आएगा क्योंकि ये इस मूवी के एंड में बहुत ही इमोशनल सीन अटैच हो जाता है और इस पूरे मूवी में जो हमें स्टोरी बताई गई है उसकी कंक्लूजन होती है तो उसमें हमें रोना आता है बहुत। और इस मूवी में बहुत अच्छा मॉरल भी है, वो आपको समझेगा तो आपको मूवी पसंद आएगी। तो इस मूवी को मैं कितना स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5? मैं इस मूवी को दूंगा 3 out of 5 क्योंकि एक एवरेज मूवी है। और ये मूवी को मैं 4 stars इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 3 stars इसे डिजर्व करता है। 4 stars मतलब एक मूवी जिसमें बहुत जिसमें सब कुछ हो, इस मूवी में सब कुछ नहीं है। इस मूवी में 2-3 इंटरवल के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है तो उस वजह से मैं इस मूवी को 3 out of 5 दूंगा। बट इसका मतलब नहीं कि ये बहुत फालतू मूवी है, इसका मतलब ये एक बहुत अच्छी मूवी है। ये मूवी बहुत अच्छी है, ये एक मास्टरपीस मूवी है और संजय लीला भंसाली ने बहुत खर्चा किया है इस मूवी पे। तो प्लीज़ ये मूवी देखने जाइएगा और इस मूवी को मैं 3 out of 5। और मैंने दिलवाले पहले देखी और बाद में बाजीराव मस्तानी देखी, लेकिन दिलवाले का रिव्यू मैं आज रिकॉर्ड करूँगा और कल या परसों तक पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा नहीं कि मुझे दिलवाले अच्छी लगी या नहीं। तो गाइस बी अपडेटेड ऑन माय चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी बाजीराव मस्तानी के पॉजिटिव रिव्यूज सुन के मूवी देखने जा सकते हैं। और प्लीज़ बी अपडेटेड फॉर द दिलवाले रिव्यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय गाइज़।